चैनल पे। आज ब्लॉग का है पांचवा दिन। हम जा रहे हैं मुंबई से केदारनाथ, और कल रात को हम इसी होटल में रुक गए थे। ये होटल में हम रुक गए थे, होटल काफ़ी अच्छा है। तो होटल काफ़ी अच्छा है, कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ मिल गई अंदर। अभी हम निकल रहे हैं राइड के लिए। अभी थोड़ा सा नाश्ता पानी करेंगे थोड़ी दूर पे। इधर मन्नू है, थोड़ी दूर के राइड के लिए निकलेंगे। ये अपनी धंधों में पूरी रेडी हो चुकी है, और इनकी भी पूरी गाड़ी रेडी हो चुकी है। अभी निकलेंगे जल्दी नाश्ता पानी करके, फिर आगे का छोटा छोटा ब्रेक लेंगे और आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, राइड की शुरुआत कर चुके हैं, और थोड़े दूर पे 1 किलोमीटर पे आते ही ये हमको तीनों भाई लोग दिखे। तीन लोग बैठे, तीनों हेलमेट पहने। सही है, नियम का थोड़ा सा पालन कर रहे। सही है, कोई ना। और अभी टाइम हो रहा है 8:52, 702 किलोमीटर बचा है केदारनाथ। अभी ये हमको 2 दिन लगेगा क्रॉस करने में, क्योंकि आज हम सोचे आज 400-500 किलोमीटर तक लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद जो थोड़ा सा बचेगा वो रास्ता अच्छा नहीं होगा, पहाड़ी पहाड़ी रास्ता होगा, वन वे होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आज ज़्यादा कवर करना है, और कल जो थोड़ा बहुत बचेगा वो तो हो ही जाएगा। कैसे भी करके हमको जल्दी से जल्दी पहुँचना है। अब देखते हैं कितना वक्त लगता है, क्या लगता है। यहाँ सिटी एरिया में हम एंटर हो चुके हैं ना, इसीलिए हमको ज़्यादा व्यू देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐसे नॉर्मल मिलेगा, ज़्यादा व्यू नहीं देख सकते थे, क्योंकि ज़्यादा कुछ देखने के लिए है भी नहीं। देखो सुबह से ज़्यादा नज़ारा तो देखने नहीं मिला, लेकिन ये कुछ फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। वो पहाड़, ये पहाड़ थोड़े अच्छे दिख रहे। पार्टनर पता नहीं कहाँ ज़्यादा आगे निकल चुके, दिख नहीं रहे हमको, लेकिन ये नज़ारा, ये पहाड़ बहुत अच्छा दिख रहा। ये सुबह से पहला एक नज़ारा मिला अच्छा। बाकी तो सिटी एरिया में थे तो ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिला। ये देखो इधर मंदिर भी है, बहुत अच्छा मंदिर दिख रहा है, हनुमान मंदिर है। ये देखो बाजू बाजू में अब कुछ नज़ारा देखने मिला अच्छा एकदम हट के, वरना दूर दूर तक तो हमको कुछ देखने ही नहीं मिल रहा था। अब कुछ पहाड़ वगैरह अच्छा लग रहा है। पार्टनर काफ़ी दूर निकल चुके हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट अभी 150 किलोमीटर पे रुकने वाले थे, तो निकल चुके। अब अपन थोड़ा स्लो हो गए व्लॉग बनाने के लिए, तो काफ़ी दूर के बाद रेस्टोरेंट वगैरह दिख रहे हैं, नहीं तो काफ़ी दूर। देखो ये पहाड़ दूर है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है।
अभी कुछ थोड़ा सा, हाँ भाई अभी कुछ थोड़ा सा अच्छा नज़ारा देखने मिल रहा। यहाँ ढाबा वाबा मिलेंगे कुछ ही किलोमीटर पे। अभी हम भी कोई ढाबा ही देख के रुकेंगे चाय नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम जब से निकले हमने चाय भी कुछ नहीं पिया है। फिर वैसे चले जा रहे 150 किलोमीटर पे रुकने का प्लान बनाए थे, और वही 150 किलोमीटर जल्दी बीतने का सोच रहे कि जितना जल्दी हो जाए। भूख तो बहुत तेज़ लगा, लेकिन जितना जल्दी कवर कर सके हम कवर करेंगे। यह देखो पहाड़ के नज़ारे एकदम शानदार। आज दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से लेट हो रहा था, जिस हिसाब से गाड़ी निकल रही थी, अब ऐसा तो लग ही रहा है कि कल रात तक पहुंच जाएंगे केदारनाथ, और परसों सुबह में ऊपर चढ़ेंगे। परसों सुबह से ऊपर चढ़ना चालू कर देंगे। और परसों का तारीख हो जाएगा, एक मिनट, 20 तारीख, नहीं 18 को निकले थे पहला दिन, 24 को ऊपर पहुंच जाएंगे। दिवाली मनाना था हमको केदारनाथ में ही, तो 24 तारीख तक हम ऊपर पहुंच जाएंगे। हम तो सोचे थे एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन लेट हो जाएंगे, क्या करें। कोई ना, हमको तो दिवाली केदारनाथ में ही मनाना था, पहुंच ही जाएंगे। ऐसे को शिवलिंग काफ़ी बड़ा है। अरे यार, थोड़ा पीछे से रिकॉर्ड किया रहता तो और अच्छा रहता, लेकिन हम काफ़ी स्पीड में जा रहे थे, और जैसे मुझे शिवलिंग दिखा उतना रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, आते समय अगर यही रास्ता पड़ा तो आप लोग को पक्का अच्छे से दिखाऊंगा। पार्टनर आगे निकल चुके, अगर यहीं पास में रहते मैं उनको इशारा कर देता कि यहाँ रुकते ऐसा कुछ, लेकिन वो काफ़ी आगे निकल चुके तो कवर कर दे। आप लोग को ये नज़ारा कभी और दिखा देंगे। ओके, अपना हो चुका है 100 किलोमीटर कंप्लीट। ये देखो नीचे 604 किलोमीटर बाकी है, 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। 50 किलोमीटर और गाड़ी चलाएंगे, फिर रोक देंगे, फिर एक छोटा सा धन्नों के लिए ब्रेक, फिर हमारे लिए ब्रेक। धन्नों का तो पेट पूरा भर दिए थे, अब उधर जाके देखिएगा कि धन्नों का कितना पेट खाली है। उस हिसाब से धन्नों के लिए भी खाना पानी देंगे। फिलहाल चल रहे, राइड का मजा ले रहे। हवा काफी तेज है, देखो इनके बम का दम निकल चुका, इनके बम में दम नहीं है। देखो हाँ बैठ गया। चलो एक्साइटेड तो थे, जिस पहले दिन से हम लोग लेट निकले, हम लोग नहीं मतलब वो दोनों लेट निकले। अगर उस दिन से लेट नहीं हुआ रहता और थोड़ा अच्छे से गाड़ी चलाने देता, जिस हिसाब से हम बोले थे उस हिसाब से अगर चलते, तो पक्का आज रात तक हम केदारनाथ पहुंच ही जाते। लेकिन क्या बोले, रोज लेट होते जा रहे। कोई ना, एक दिन और कहीं। जैसे होटल से निकले हमने कुछ खाया पिया नहीं, हमको जल्दी आना था, रास्ता कवर करना था, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके पहले दिन से। तो अभी दोपहर के बज रहे 12:02, और हमने भगत सिंह होटल से खाना ऑर्डर किया है।
ऐसे कोई थाली है थाली 100 रुपये में। अरे रोटी है तो ये रोटी मेरे को लग रहा है कुछ लाना पड़ेगा इसको काटने वीटने के लिए, क्योंकि दांत से शायद से खा नहीं पाएंगे, फिर भी देखते हैं इसको। और बाकी सब खाने के लिए बैठे हैं, इधर दो जने और यहाँ एक जने। अभी खाएंगे और कुछ ही देर में निकलेंगे और आपको ढाबे का भी लुक दिखाऊंगा जाते वक्त। तो हम अभी अपना थोड़ा सा पेट पूजा करके निकल चुके हैं। दिल्ली 116 किलोमीटर ही बाकी है और टोल नाका पड़ चुका है। खाना इतना क्या बोलूँ सही नहीं था, क्योंकि रोटी जो थी ये हरियाणा में हम एंटर हो चुके पीछे बोर्ड लगा था हरियाणा करके। अब देखते हैं क्या कितना किलोमीटर तक बाकी है। टाइम हो रहा है 2:23, जलंधर बहुत टाइम है जलंधर का। फिलहाल से पार्टनर लोग आगे हैं, पार्टनर लोग को कवर करते हैं। बैठे बैठे अब पीछे दर्द देने लगा है, तो कैसे भी करके मैनेज कर रहे हैं। और इतनी कड़ी धूप भी लग रही है, रास्ते कुछ इतने खास नहीं मिल रहे। अगर रास्ते अच्छे मिले तो और भी जल्दी से पहुंच जाएंगे। कुछ देखने लायक भी नज़ारा भी अच्छा नहीं मिल रहा, आज बहुत कम नज़ारे मिल रहे देखने के लिए। हरियाणा के काफ़ी अंदर आ चुके हैं, दिल्ली भी ज़्यादा दूर बचा नहीं है। और अभी वक्त हो रहा है 3:38 का। गाड़ी चला के पीछे दर्द होने लगा है और पार्टनर लगा भी यही सीन है। यहाँ का कुछ हो या ना हो लेकिन खेती बहुत अच्छी अच्छी दिख रही है। हरियाणा भी बहुत अच्छा है, देखो कैसे गांव वाली गाड़ी आ रही है। हमारे भी गांव में ऐसी गाड़ी चलती है, एक गाड़ी रहेंगे उसमें कितने सारे लोग लटके रहेंगे। आज चलते रहा और ये ज़्यादा बाकी नहीं है, 461 किलोमीटर बाकी है केदारनाथ के लिए। 461 अभी वो इतने काफ़ी बाकी है, आज तो पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। 350 किलोमीटर तो बच ही जाएगा, 250-300 किलोमीटर, तो उसको छोड़ के हम रात को रेस करके फिर चले जाएंगे, कल निकलेंगे फिर राइड में। अभी पार्टनर लोग साइड में बुलाने की कोशिश कर रहे क्या, या ये वाले लेन से चलने की बोल रहे थे, पता नहीं। अब डायरेक्ट कैमरा दिल्ली में चालू करूँगा जब दिल्ली में एंटर करेंगे, क्योंकि दिल्ली का मुझे कुछ खाऊंगा पीऊँगा, लस्सी पीने का मेरा बहुत मन है, लस्सी पीऊँगा। और या तो फिर जो दिल्ली में फेमस है अपना छोले भटूरे वो खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा जरूर। तो दिल्ली में एंटर होते जब कैमरा चालू करूँगा, और या फिर दिल्ली से पहला ऐसा कुछ लगा कि आपको आप लोग को दिखाना चाहिए तब कैमरा चालू करूँगा, अगर दिखाने जैसा नहीं रहा तो फिर दिल्ली में कैमरा चालू होगा।
देखो ये दुकान के पास हम नाश्ता करने के लिए रुके और ये इधर छोटे छोटे बच्चे लोग दिख रहे। मनीषा जाएगी उठाने के लिए, मनीषा बोल रही है घर पे लेके जाऊंगी। मनीषा से मिलने आ गए लोग। ये व्हाइट वाला और भी क्यूट लग रहा है, क्रीम कलर वाला। मस्ती देख रहे लोग। चलो अब कुछ खिलाओ पिलाओ तो इन लोगों को, कुछ खिला पिला दो तो क्या खाएंगे बचकारे लोग। ओ क्रीम वाले को पकड़ो, क्रीम वाले को। ये देखो इसको उठा ली। क्या बच्चा